स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 14 जून 2023 दिन बुधवार है, तो मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए 14 जून का टाइम कैसा व्यतीत होएगा, कैसा चलेगा नौकरी व्यवसाय धन की स्थिति, साथ ही रिश्ते कैसे चलेंगे, लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी या नहीं, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। आषाढ़ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी आज। एकादशी तिथि जो ये आ रही है 14 जून को, ये है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, साथ ही केले का पूजन करना आपको शुभ परिणाम देगा। इस दिन एक विशेष चीज़ का आप ध्यान रखें कि इस दिन चावल का सेवन करने से धन से संबंधित रुकावटों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, इसीलिए आज पूरे दिन चावल का सेवन आप न करें और नेक्स्ट दिन चावल का सेवन अवश्य करें। आज कोई भी आप अगर शुभ कार्य करना चाहते हैं मेष राशि वाले, तो आप कर सकते हैं। शुभ कार्य करते समय हमें या कोई बड़ी डील साइन करते समय हमको राहु काल का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आज का राहु काल 12 बजे से शुरू होकर 1:30 तक चलेगा, तो इस समय किसी भी तरह की बड़ी डील साइन करने से बचें, और कोई मंगल कार्य या शुभ कार्य कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो उस समय इस समय का उपयोग आप न करें। किसी से मिलना है जुलना है उसके लिए सुबह का टाइम सही है, 6:20 से लेके 8:00 तक का टाइम अच्छा है। इस समय आप किसी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में, सुबह 1:40 तक केतु के नक्षत्र में, उसके बाद शुक्र के भरणी नक्षत्र में। तो केतु और शुक्र के नक्षत्र दोनों में चलते हुए चंद्रमा आपको क्या परिणाम देंगे, कैसा रहेगा आपका दिन, इस विषय की अब चर्चा करते हैं। मेष राशि अग्नि प्रधान राशि है और इनमें ऊर्जा और उत्साह अन्य राशियों से कई गुना रहता है। सेनापति ग्रह की राशि है ये, इस कारण से आज इनमें उत्साह बना रहेगा काम करने का, ऊर्जा का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा इनके अंदर, और इसी के कारण इनके आज कई कार्य बनने वाले हैं। केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं चंद्रमा, इस कारण से आज आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। 1:40 यानी कि करीब करीब 2 बजे तक अगर आप संभल के रहे तो ये दिन आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। पूरे दिन किसकी सावधानी रखनी है, वाणी पे नियंत्रण रखना है बस। ऐसा नहीं हो कि वाणी के द्वारा आप किसी की हिंसा कर बैठे, हिंसा का मतलब वाचिक हिंसा। तो वाणी से किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले आप अवश्य ही विचार करें और उसके बाद आप बोलें। नौकरी में हैं अगर आप तो नौकरी में अच्छा रहेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आपका थोड़ा सा या तो तनाव रहे या फिर आप उनका दबाव अपने ऊपर महसूस करेंगे, और वो दबाव इतना ज़्यादा आप अपने मन में मान लेंगे कि जब आप ऑफिस से घर आएंगे तो घर पे भी उस दबाव को लेके आएंगे। तो ऑफिस की परेशानी ऑफिस छोड़ के आएँ, घर पे किसी भी तरह का तनाव न लाएँ, वरना आपके आपका जो घरेलू जीवन है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। कुछ भी अगर व्यापार में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप प्लानिंग बना के शुरू करें, आज आपके मन में कई क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, तो क्रिएटिव आइडियाज़ को काम में लेते हुए अपने व्यापार को कुशलता के साथ आप चलाने का प्रयास करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो राहु काल का ध्यान रखें, 12 से लेकर 1:30 तक है। और वैसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व आप बहुत सोच समझ लें, किसी जानकार की सलाह ले लें, उसी के बाद उसमें हाथ डालें, क्योंकि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं 1:40 तक, तो आप बच के ही रहें बड़े इन्वेस्टमेंट करने से, उसके बाद आप कर सकते हैं। और आज पूरे दिन सभी व्यापारियों को और नौकरी वालों को एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखना, वो यह है किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह के पेपर पे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पूर्व बहुत ही सोच समझ के उनकी शर्तों को और बातों को पढ़ें, हो सके तो आज साइन ही आप न करें, और करना भी पड़े तो आप 3 बजे के आसपास करें, यानी कि 1:40 तक। तो वैसे भी केतु के नक्षत्र में है तो थोड़ा सा आपकी मानसिक स्थिति डावाडोल रह सकती है, तो साइन करते समय बहुत ही सोच समझ के आप विचार करें, उसके बाद ही आप साइन करें। लव लाइफ की बात करें तो वाणी पे तो नियंत्रण वहाँ भी रखना ही है, परंतु आज आप अपने प्रिय व्यक्ति से दूर
रहने की आप सोच ही नहीं सकेंगे, उनसे आप दूर जा ही नहीं पाएंगे। आपका प्रेम संबंध आज गहरा होता हुआ दिख रहा है। और अधिक प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए गाय को गुड़ अवश्य ही खिलाएं। और बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में आपके उत्साह और उल्लास बना हुआ है, तनाव आपके दूर होंगे, घरेलू तनाव भी कम ही है आज। परंतु एक प्रॉब्लम है दाम्पत्य जीवन में भी, कि जीवन साथी के साथ आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ घर का सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आप में मतभेद हो सकता है कि आप कहें ये खरीदना है, वो कहें कि वो खरीदना है। तो इस तरह के मतभेद की स्थिति बन रही है। तो वैसे भी घरेलू जो सामान होता है वो ज़्यादा कुछ पैसों का आता नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने पार्टनर की ही बात मान लें तो माहौल थोड़ा सा हल्का रहेगा, ये मेरी सलाह है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आज भ्रमित हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के मन में भटकाव रहेगा। चंद्रमा चल रहे हैं केतु के नक्षत्र में, तो 1 बज के या 2 बजे तक का टाइम उनके लिए थोड़ा सा मानसिक भटकाव का है। वो अपना टाइम ख़राब कर सकते हैं मोबाइल में या किसी में भी। और जो हायर स्टूडेंट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। हायर स्टूडेंट्स वालों को अपने एडमिशन के लिए और उसके लिए आज ट्राई करना चाहिए। और कोई भी रचनात्मक फील्ड से अगर आपका है पढ़ाई लिखाई, तो वहाँ आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। आज सेहत की बात करें तो सेहत में भी आज थोड़ी सी परेशानी है। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सेहत की बात करें तो सेहत के अंदर आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, या फिर ये हो कि आपके आंखों में नींद की कमी हो और आपको थकान और आलस आज दिन को रहे। तो एक दिन पहले ही राशिफल डाला जा रहा है, अपनी नींद का आप प्रॉपर ध्यान रखें ताकि आपकी 14 जून का टाइम अच्छा व्यतीत हो। आज का उपाय की अगर बात करें तो उपाय यही है कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो चंद्रमा को पलवान करना बेहद जरूरी है। चंद्र के मंत्र का जाप करना, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इसका जाप कर सकते हैं। या आप शिव की पूजा दूध से कर सकते हैं, भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाने से मानसिक शांति रहती है और मनोबल भी मजबूत होता है। तो इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना, भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाना भी आपके जीवन में खुशहाली और मानसिक तनाव को दूर करेगा। शुभ अंक की बात करें तो 3 है और शुभ रंग आज का ग्रीन है। तो ये था मेष राशि वालों का दैनिक राशिफल। आपके जीवन में आयु आरोग्य बढ़ता रहे और दिन शानदार बीतते रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।